ये हेड मास्टर ये माफिया है। सीडीसी के यहाँ गाड़ी महतो थे, उनके मदद से, उनके कर्मचारी के मदद से किसी अफसर को कुछ नहीं बुझा न, इसका निलंबन करके उचित कार्रवाई कर दी जाए। इसका सारा पैसा वो गाही करता है। बिहार में जमीन अधिग्रहण और जमीन कब्जियाने का मामला पुराना रहा है। इस नाते से जुड़े भू माफियाओं ने इतना आतंक मचा दिया है कि क्या सरकारी क्या गैर सरकारी सब जमीन एक दूसरे को बेच देते हैं। ऐसा ही एक मामला भू माफियाओं से जुड़ा हुआ शिक्षा व्यवस्था में घुस गया। बस क्या था, एक शिक्षक इस शिकायत को लेकर जनता दरबार पहुंच गया। शिक्षक की शिकायत सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। भू माफियाओं के आतंक से बिहार किस प्रकार से ग्रसित है, आप भली भांति इस शिकायत से समझ जाएंगे। सुनिए पहले जनता दरबार में पहुंचने के बाद इस शिक्षक के द्वारा क्या क्या आरोप लगाया जा रहा है और कैसे इसको तंग किया जा रहा है, इसमें सीएम नीतीश कुमार क्या करेंगे, जरा सुनिए। कार्रवाई की अनुकंपा कब? ये कार्रवाई की अनुशंसा किसने किया था? जिला कार्यक्रम पदाधिकारी बोल सकते हैं सर? बोलिए ना, आपको बोलने के लिए तो कहा। हाँ, बोलिए बोलिए सर। ये हेड मास्टर ये माफिया है। सीडीसी के यहाँ गाड़ी महतो थे, उनके मदद से, उनके कर्मचारी के मदद से किसी अफसर को कुछ नहीं बुझा न, स्कूल परियोजना उत्थान कन्या विद्यालय को यह पतन कन्या विद्यालय बना, शैक्षणिक वातावरण को बिल्कुल खत्म कर दिया। इसका निलंबन करके उचित कार्रवाई कर दी जाए। इसका सारा पैसा वो गाही करता है, स्टूडेंट से पैसा लेता है, टीचर से लेता है। शैक्षणिक वातावरण को इसने ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई का अनुशंसा कौन किए थे? कार्रवाई करने की अनुशंसा किनके द्वारा किया गया था? डीओ के हैं, डीओ भी किए हैं, डीओ भी किए हैं। उसमें क्या है सर? हेलो, आइए, दरभंगा से आए हैं, जिला परिषद नियोजित शिक्षक के ऊपर कार्रवाई का अनुशंसा तरफ से किया है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी। ये सब पूछ रहे हैं, यही बता रहे हैं, देख रही है कहे नहीं हुआ है। तो अब स्कूल की जमीन को भी हड़पने से भू माफिया वाज नहीं आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से यह आरोप लगाया जा रहा है इसमें भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक हो गई होगी सरकार की तरफ से ही, सरकारी मुलाजिमों की तरफ से ही। जिस प्रकार के अभी तक इसके द्वारा अपने आप को प्रस्तुत किया गया है उसके आधार पर हम यह बातें आप तक बता रहे हैं। हालांकि ये जांच उपरांत पता चल पाएगा, जबकि पहले भी इस मामले के निवारण निपटारा के लिए सरकार के द्वारा आदेश पारित कर दिया गया था, लेकिन सरकार के मुलाजिम इसे अब तक सुलझा नहीं पाए हैं। देखना है आगे क्या यह मुद्दा सुलझ भी पाता है या और उलझ कर रह जाएगा। जहां एक तरफ खेल में बिहार के छात्रों को भविष्य संवारने का मौका नहीं मिलता है, वहीं दूसरी तरफ सरकारी जमीन को हथियाने में भू माफिया लगे हुए हैं ताकि खेलने की जगह ही ना बचे, ऐसा कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज छात्र ना कर पाए जिससे उसका भविष्य अलग अलग चीजों में भी बन पाए।
क्या कुछ होगा आगे हम आपको बताएंगे। फिलहाल इस मामले पर सरकार के द्वारा एक निर्देश जारी कर दिया गया है, मुख्यमंत्री के द्वारा अब यह निर्देश जारी किया गया है, तो तत्काल प्रभाव से क्या कार्रवाई होगा वो भी हम आगे आपको बताएंगे। इस खबर में इतना ही रहने दीजिए, आगे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।